हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रागनी किचन। आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। लौकी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीन वेजिटेबल की कैसे खीर बन सकती है, लोग बॉयल सैलड बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बट खीर कैसे बन सकती है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ हैदराबादी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और यमी खीर कद्दू की। तो चलिए बनाते हैं कद्दू की खीर। खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है कद्दू। कद्दू को लेना है, उसका स्किन रिमूव कर देना है, छिलका जो होता है उसका ऊपर का पार्ट का, उसको हटा देना है। रिमूव करने के बाद वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से इसको कद्दूकस करना है। और बीच के पार्ट को, जो इनर मिडिल पार्ट होता है, जो बिया वाला पार्ट होता है, जो अभी मैं दिखा रही हूँ, उसको छोड़ देना है। उस पार्ट को नहीं कद्दूकस करना है, ऊपर के पार्ट को बस कद्दूकस करना है। जब ये अच्छे से कद्दूकस हो जाए, फिर एक साइड में कढ़ाई या पैन हीट कर लेना है और उसमें 2 स्पून घी डाल देना है। जब पैन या कढ़ाई हीट हो जाए उसके बाद ही घी डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें कद्दूकस किया हुआ कद्दू को डाल देना है। कद्दूकस किया हुआ कद्दू को डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए सौते करना है, भूनना है, लगातार इसको भूनना है मीडियम आंच पे। आप देख रहे हैं मैं कैसे भून रही हूँ, उसी तरीके से भूनना है आपको। जब 3 से 4 मिनट हो जाए तो फिर इसको लो फ्लेम पे लीड से ढक देना है, कवर कर देना है। पाँच मिनट के लिए इसको कवर कर देना लो फ्लेम पे। 5 मिनट जब हो जाए लीड रिमूव कर देना, जिस भी बर्तन से आप ढकोगे उस बर्तन को हटा देना है और इसको वापस से चलाना है, अच्छे से मिलाना है और इसमें शुगर डालना है। मैं 2 चम्मच शुगर डाली हूँ, आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा भी शुगर ले सकते हो, 4-5 स्पून भी शुगर ले सकते हो। आप जितना मीठा खाते हो आप उस अकॉर्डिंग इसमें शुगर डाल सकते हो। मैं थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए मैंने कम डाला है। शुगर डालने के बाद आप देखो धीरे धीरे ये डिसॉल्व हो रहा है, शुगर इसमें डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसको वापस से 3 से 4 मिनट के लिए ढक देना है लो फ्लेम पे। 3-4 मिनट हो जाए तो फिर रिमूव करना है लीड को, उसके बाद अच्छे से इसको मिलाना है। आप देख रहे हैं मैं कैसे मिला रही हूँ, वैसे ही मिलाना है आप। और ये देख रहे होगे आप कि शुगर प्रॉपरली डिसॉल्व हो चुका है इसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके घिया में डिसॉल्व हो चुका है, कद्दू में अच्छे से डिसॉल्व हो गया। और कद्दू भी आप देख रहे हो कि प्रॉपरली पक चुका है, ऑलमोस्ट ये पक चुका है। तो इसको 2 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पर इसको वापस से ढकना है और 2 मिनट जब हो जाए तो इसको बॉल में निकाल लेना है और फिर से एक कढ़ाई या पैन में फुल क्रीम, फुल फैट मिल्क लेना है और इसको बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाए अच्छे से, ये एक बार बॉईल हो जाए, एक उबाल कम से कम आना चाहिए, एक बार बॉईल हो जाए उसके बाद इसमें साबूदाना डालना है। साबूदाना को मैंने 2 आवर्स सोक किया है, मैंने 150 ग्राम्स ऑफ साबूदाना लिया है, इसको मैंने 2 घंटे पानी में सोक किया है। तो ये सोक किया हुआ साबूदाना है, इसको पकाने में थोड़ी, ये जल्दी पकता है अगर आप इसको सोक करोगे 2 घंटे के लिए, तो ये जल्दी पकेगा।
और आप ऐसे ही अगर वॉश करके डालोगे तो ये पकने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए आप बनाने से पहले इसको 2 घंटे सोक कर देना पानी में। डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, पकाना है दूध में, मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसको रेगुलर चलाते रहना। आप अगर इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे पूरा पकड़ लेगा। आप देख रहे हो इसका मतलब आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा दाना इसका दिख रहा होगा, तो ये धीरे धीरे पक रहा है। बट आप इस बात का ध्यान जो रखना है कि इसको चलाते रहना, आप छोड़ना मत, नहीं तो ये नीचे से बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। मैंने 150 ग्राम्स ऑफ खोया लिया है। आप 200 ग्राम्स भी ले सकते हो, 100 ग्राम्स भी ले सकते हो। खोया डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है ताकि ये दूध में अच्छे से मिल जाए। सबुज दाना 50-60% पक चुका है, कुक हो चुका है। जब ये 50-60% कुक हो जाए उसके बाद इसमें इलायची दाना डालना है। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है। आपके पास दाना अवेलेबल है तो आप मिक्सर में चला के भी इसको पाउडर में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हो। पिंच ऑफ इलायची दाना डालना है या पाउडर, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीडियम आंच पे पकाना है। साबूदाना अच्छे से पक चुका है। जब ये ऑलमोस्ट पक जाए तो इसमें भुना हुआ कद्दू जो मैंने अभी भुना है उसको डाल देना। उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे खोया मैंने डाला था, खोया डिसॉल्व हो गया, घिया में शुगर ऑलरेडी डाला था मैंने, तो अगर आप ऊपर से भी शुगर इसमें चाहते हो तो डाल सकते हो। आप जितना मीठा करना चाहते हो आप उस अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हो। घिया भी डिसॉल्व हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें ग्रीन कलर डालूंगी। मैं पिंच ऑफ ग्रीन कलर वाटर में मिक्स कर ली हूँ। आप चाहो तो कलर का पाउडर जो आता है, फूड कलर का पाउडर आता है ग्रीन कलर का, आप उसमें पिंच ऑफ पाउडर भी डाल सकते हो, बिल्कुल चुटकी भर। मैंने पिंच ऑफ पाउडर को पानी में मिला दिया, थोड़ा सा मैंने डाला। इसके बाद मैं थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि प्रॉपर कलर आना चाहिए। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है कलर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। धीरे धीरे आप देख रहे हो इसमें कलर आ रहा है। इसमें आप थोड़ा सा और कलर भी डाल सकते हो। मैं इसमें अब मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। थोड़ा थिकनेस के लिए मैं पाउडर डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर। आप नहीं भी डालोगे तो ये प्रॉपर जैसा टेस्ट होना चाहिए वैसे ही बनेगा। ये बस थिकनेस के लिए, तो आप डालो तो भी अच्छा है, नहीं भी डालो तो भी ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि मिल्क पाउडर का लम्स ना रह जाए। खीर ऑलमोस्ट पक चुका है। मैं थोड़ा सा और कलर इसमें मिलाई हूँ, जो लिक्विड था वो मैं थोड़ा सा और मिला दूँ, तो ये प्रॉपर कलर में आ चुका है जो इसका कलर होना चाहिए। और खीर भी ऑलमोस्ट पक चुका है।
बस 2 से 4 मिनट इसको और पकाना है, मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है ताकि ये थोड़ा और थिक हो जाए। ये धीरे धीरे थिक हो रहा है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो, दो चार पाँच मिनट पकाने के बाद ये ऑलमोस्ट थिक हो चुका रहेगा, तो बस 2 मिनट और पकाएंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये ऑलमोस्ट थिक हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस देखो, जब ये ऑलमोस्ट इस टाइप का हो जाए, कंसिस्टेंसी इस टाइप की हो जाए, थिकनेस इस टाइप की हो जाए, तो फिर ये कुक हो चुका है। तो अब मैं इसको बॉल में निकालूंगी। ये अच्छे से पक चुका है और थिकनेस भी अच्छे से आ चुका है, कलर भी इसका प्रॉपर आ चुका है। खीर अब रेडी है, तो इसको बॉल में अब मैं निकालूंगी। बॉल में निकालने के बाद इसको पिस्ता, पम्पकिन सीड, काजू बादाम जिसको आलमंड्स बोलते हैं, उससे इसको गार्निश करना है। गार्निश करने के बाद आप इसको अगर फ्रीज में रख दो 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो आपको इसका फ्लेवर और भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।